दोस्तों अल्बानिया प्रकृति द्वारा सजाया गया खूबसूरत देश है। इस देश में आप अपने आप को प्रकृति के नज़दीक पाएंगे। अल्बानिया दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक देश है। अगर हम अल्बानिया को थोड़े जागरूक होकर देखें तो अल्बानिया एक ऐसा देश है जहां आप जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने अल्बानिया का नाम भी नहीं सुना होगा, तो चलिए आज हम जानते हैं अल्बानिया के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिनको आपने शायद ही कहीं पढ़ा और सुना हो। क्या आपको पता है कि अल्बानिया के अधिकतर लोग दूसरे देशों में रहते हैं, वे अपने देश में नहीं रहते। अल्बानिया के ज्यादातर लोग जैसे इटली, ग्रीस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका इत्यादि देश में आपको मिल सकते हैं। और भी काफी सारे देश हैं जहां अल्बानिया के लोग आपको मिलेंगे। अगर आपको अल्बानिया में सही समय में कहीं जाना है तो आप अल्बानिया के बस के भरोसे ना रहें, क्योंकि वहां के बसों का कोई निश्चित समय नहीं है, वो कभी भी किसी भी रास्ते में जा सकते हैं और यह काफी अजीब बात है। 2018 में अल्बानिया में घूमने वाले लोगों की संख्या अत्यधिक हो गई थी। अल्बानिया एक बार सर्वाधिक घूमे जाने वाला देश बन चुका है। अल्बानिया को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने के पीछे यहाँ की भौगोलिक स्थिति का बड़ा हाथ है। इसे प्रकृति द्वारा काफी खूबसूरती से सजाया गया है। अल्बानिया में सिर्फ एक ही नोबल प्राइज विजेता हैं, जिन्हें हम और आप सभी जानते हैं, जिनका नाम मदर टेरेसा है। इनका जन्म मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपजे में हुआ था, जो आज अल्बानिया के अंतर्गत आता है। मदर टेरेसा को कोलकाता के गरीबों की सहायता करने के लिए 1979 में नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था, और इसी प्रकार पूरे अल्बानिया में एक ही नोबल प्राइज विजेता है। आज मैकडोनल्ड को कौन नहीं जानता, एक फेमस फास्ट फूड कंपनी जिसका दबदबा हर देश में है। मगर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अल्बानिया में एक भी मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट नहीं है। अल्बानिया में एक ही फास्ट फूड कंपनी है जिसका नाम है कोलोनेट, जो कि पूरे अल्बानिया में फैला हुआ है। यहाँ के पारंपरिक संस्कृति के अनुसार पूरे अल्बानिया के लोगों को शाम में टहलना शुभ माना जाता है। यहाँ के लोगों को शाम में टहलना अनिवार्य है। इसी कारण अल्बानिया में शाम को बड़ी गाड़ियों का यातायात बंद कर दिया जाता है, क्योंकि शाम को अल्बानी के लोग भारी संख्या में टहलने निकलते हैं। और मुझे लगता है कि ये काफी सुंदर चीज है, यह हर देश में होना चाहिए। जब अल्बानिया गुलामी की गिरफ्त से मुक्त हुई थी, उस समय अल्बानिया की आबादी 30 लाख थी। उनमें कार की संख्या मात्र 3000 ही था, क्योंकि साम्यवादी शासन में प्राइवेट कार रखना गैर कानूनी था। सिर्फ सरकारी लोग ही कार रख सकते थे। अल्बानिया में ना का मतलब हाँ और हाँ का मतलब ना होता है। ऐसा सुनने के बाद आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जब अल्बानिया के लोग ना में मुंडी हिलाते हैं तो उसका मतलब हाँ होता है, और जब वहाँ के लोग हाँ में मुंडी हिलाते हैं तो उसका मतलब ना होता है। अब मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वैसे ये दुनिया की काफी अनूठी बात है। अल्बानिया में आप स्पीड बोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पीड बोट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जिसका कारण यह है कि अल्बानिया में स्पीड बोट का इस्तेमाल मानव और अवांछित पदार्थ की तस्करी के लिए किया जाता है। यही कारण है कि अल्बानिया में स्पीड बोट का इस्तेमाल आप काम पड़ने पर भी नहीं कर सकते। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपको सजा हो सकती है। अल्बानिया में कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा होती है। अल्बानिया हर मामले में सही है, मगर यह बात काफी शर्मनाक है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले में अल्बानिया पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर चीन आता है। अल्बानिया में कन्या भ्रूण हत्या होना आम बात है। हमारे देश भारत में भी ऐसा काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है, और हमें इसका विरोध करना चाहिए। आप अल्बानिया को पर्वतों वाला देश कह सकते हैं, क्योंकि अल्बानिया का 70% क्षेत्र पर्वतों से ढका हुआ है। अल्बानिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कोरब है, जिसकी ऊंचाई 2764 मीटर है। अल्बानिया यातायात नियम के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ देश है। 1991 के बाद यहाँ पर कार की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है, मगर आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा कि यहाँ के ड्राइवर को सही ढंग से चलाना नहीं आता।
इसलिए आप जब भी अल्बानिया जाइए सावधान रहें और जितना हो सके सड़क से दूर रहें, क्योंकि अल्बानिया में ट्रैफिक रूल कोई जानता ही नहीं है। अल्बानिया में एक शहर है जिसका नाम शकोड्रा है। आश्चर्य की बात यह है कि उस शहर में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, यह वहां के सबसे पुराने शहरों में से एक है। अल्बानिया में करीब 7,50,000 से अधिक बंकर हैं, जो कि इनवर होक्स्टा के शासनकाल में बनाए गए थे, जिसका उपयोग आमतौर पर कभी नहीं हुआ और आजकल के पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। अगर आप कॉफी पीने के शौकीन हैं तो अल्बानिया आपके लिए सबसे उपयुक्त जगह है, क्योंकि अल्बानिया के लोग कॉफी के अत्यधिक शौकीन होते हैं। यहाँ के लोगों का दिन कॉफी से शुरू होता है। अगर आप अल्बानिया में बाल कटवाते हैं तो आपको एक झापड़ खाना अनिवार्य है। अल्बानिया में बाल कटवाने के बाद थप्पड़ खाना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी अल्बानिया के बारे में कुछ खास बातें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए कि अल्बानिया के बारे में सबसे खास बात आपको क्या लगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।